जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनपैट एनएमआईएमएस 2025 का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ओके, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी अबाउट एनपैट एग्जामिनेशन कोर्स एंड कैंपस, एग्जाम पेपर पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, फी स्ट्रक्चर कैंपस वाइज। ओके, सो सारी चीजों के बारे में इन डिटेल में बात करेंगे। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एंड गाइज, 2025 के लिए एनएमआईएमएस एनपैट के लिए हमने बैचेस लॉन्च कर दिए। इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, एग्जाम टू एडमिशन कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है। सो जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर 9987335 और यू कैन ऑल्सो विजिट टू अवर वेबसाइट viditeducation.com। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है, डू फिल दैट फॉर्म इफ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम अवर एंड गाइज। नाउ अब एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जाम। एसवीकेएम एनएमआईएमएस कंडक्ट द यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एवरी ईयर फॉर क्लास 12 पास आउट अपेयरिंग कैंडिडेट टू बी एलिजिबल टू देयर यूजी प्रोग्राम अक्रॉस द कैंपस। ओके, अगर आप 12th में हो या अपेयरिंग हो तो आप ये एग्जाम लिख सकते हो। अब कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी अलग होगी, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्या कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी है, कौन से कोर्सेस है इसके बारे में। सो चलिए, अभी ये तो हो गया एग्जाम लिखने की एलिजिबिलिटी। अगर आप 12th में हो या 12th अपेयरिंग हो, 12th पास हो गए हो तो आप ये एग्जाम लिख सकते हो। वैसे भी स्टूडेंट रिपीट भी करता है। ओके, नाउ कोर्स एंड कैंपस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बीबीए कोर्स जो मुंबई, नवी मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, धुले, चंडीगढ़, ये सारे कैंपस में, बीकॉम भी मुंबई, नवी मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर एंड चंडीगढ़, यहाँ पे धुले में नहीं है। ओके, बीएससी फाइनेंस मुंबई, नवी मुंबई, बैंगलोर में है। बीबीए फिनटेक मुंबई में है। बीएससी इकोनॉमिक्स मुंबई, नवी मुंबई, बैंगलोर में है। बीए इन लिबरल आर्ट्स मुंबई में है। बीबीए ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग सिर्फ मुंबई में है। बीबीए इंटरनेशनल बिजनेस मुंबई में है। एंड बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग अगेन ये मुंबई में। सो इतने सारे कोर्स है विद देयर कैंपस। ओके, कोर्सेज कौन से और कैंपस देख लो, तो आपको किस कोर्स में जाना है और आपके शहर में वो कैंपस है क्या, वो जरा एक बार जरूर देखिएगा। इसीलिए मैंने ये स्लाइड बनाया है। ओके, सो नाउ एग्जाम पेपर पैटर्न बहुत ईजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 1 मार्क्स ईच। लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स अगेन। वर्बल रीजनिंग 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स अगेन। सो 100 मिनट्स का एग्जाम होगा और 120 मार्क्स होगा, 120 क्वेश्चन होगा। सो दिस इज अबाउट द एग्जाम पेपर पैटर्न। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस काफी इजी है। मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट एनएमआईएमएस एनपैट के लिए। ये दोनों के लिए आपको अभी इसमें नहीं देखना है। ओके, सो नाउ द डिसीजन ऑफ इंस्टीट्यूट विल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड एंड नो इंक्वायरीज और करेस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन। मतलब अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आपको कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं किया जाएगा कि हाँ आपको इसके बगैर भी एडमिशन मिल जाए। नो, द सिलेक्शन प्रोसेस इज कम्प्लीटली थ्रू एनएमआईएमएस एनपैट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फी स्ट्रक्चर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये गाइस 2024 का फी स्ट्रक्चर है, 2025 में इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये बीबीए का प्रोग्राम है मुंबई में, तो 3.5 लाख रुपए, 3,25,000, 3,25,000, 2,75,000 हैदराबाद कैंपस, 2,75,000 इंदौर, 1,52,000 धुले में है और 3 लाख रुपए चंडीगढ़ कैंपस में। बीकॉम की मैं बात करूँ तो 2,50,000 रुपए मुंबई कैंपस में है, 2 लाख रुपए नवी मुंबई में है, 1,75,000 रुपए बैंगलोर में है, 1,50,000 हैदराबाद में है, 1,50,000 अगेन इंदौर में है और चंडीगढ़ में 1,25,000 है। नाउ बीकॉम अकाउंटिंग फाइनेंस किसी भी कैंपस में नहीं है। बीएससी फाइनेंस जो है वो 3,75,000 रुपए मुंबई, 3,25,000 नवी मुंबई और बैंगलोर में 3,25,000। बीएससी इकोनॉमिक्स जो है 3,50,000, 2,52,000 और 2,65,000, ये मुंबई का है। और ये गाइस पर एनम का फीस है, मतलब एक साल का फीस है, 3 साल का नहीं। ना बीए इन लिबरल आर्ट्स 4,75,000 इसका फीस है एक साल का। बीबीए ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग 5.5 लाख रुपए फीस है और ये सिर्फ और सिर्फ पहले भी मैंने बताया मुंबई में ही है। बीबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस 5 लाख रुपए, बिजनेस इन मार्केटिंग मैनेजमेंट 7 लाख रुपए पर ईयर का फीस है। ओके, सो एंड ये 4 साल के भी कुछ कोर्स है और 3 साल के भी कोर्स है। सो दिस इज अबाउट फी स्ट्रक्चर कैंपस वाइज, दिस इज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एक सेपरेट वीडियो मैं कोर्सेज के ऊपर और सिलेबस के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ। सो एनएमआईएमएस के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। आई होप आपको ये सारी चीजें समझी रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।